क्वेश्चन नंबर 19। इससे मुझे कहा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट 7, 10 -2, 5 3, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। हमें कहा गया है कि ये तीन पॉइंट हमें प्रूव करने हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट हैं। तो मैं यहाँ पर रफ ड्रॉ में पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। जिसमें पहला पॉइंट को मैं ए पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ जो कि 7, 10 है। सेकेंड पॉइंट को मैं यहाँ पर -2, 5 अज्यूम कर लेता हूँ। थर्ड पॉइंट 3, -4 को मैं सी अज्यूम कर लेता हूँ। मुझे कहा गया है कि यह आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल रहता है जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल हो, जिसमें टू साइड्स इक्वल हो। और राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल, कोई वन एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो। तो सब आपको यही करना है, आप इसकी तीनों साइड की लेंथ निकालिए, अगर कोई दो इक्वल आ गई तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक एंगल 90 दिखाने के लिए आप इसकी तीनों साइडें निकाल कर पाइथागोरस थ्योरम में डाल दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स आपको कहता है, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि मैंने पाइथागोरस में तीनों साइडों की लेंथ डाली और अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई तो वाकई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम शुरू करते हैं आंसर को। तो मैं पहले तीनों साइड्स की लेंथ निकाल देता हूँ। लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इस तरह से रहता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास जो पेपर आया था उसमें किसी स्टूडेंट ने मार्किंग की हुई थी, जिसे मैं हटा दूं यहाँ से ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो। खैर, यहाँ मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं पहले ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला या तो ए टू बी या बी टू ए यूज़ करेंगे। हमने ये समझा हुआ है कि फॉर्मूला अगर पॉसिबिलिटी है कि किसी पॉइंट की दोनों पोजीशन या सभी पोजीशन प्लस की हैं तो प्लस से हमें माइनस की तरफ यूज़ करना चाहिए। तो हम प्लस से माइनस की तरफ यानी ए से बी फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले मैं दोनों पॉइंट की वाई पोजीशन माइनस करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 10 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर एक्स पोजीशन माइनस करेंगे, 7 माइनस मुझे करना, और माइनस यहाँ ऑलरेडी -2 है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। मैं इसे सिंपल करूंगा, 10 - 5 आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 + 2 - 9, 9 का स्क्वायर आएगा 81। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यह आएगा √106 यूनिट्स। तो ये भी डिस्टेंस मैंने निकाला। इसी तरह से अब मैं बीसी डिस्टेंस निकालूंगा। अगर बीसी डिस्टेंस निकालना है तो ध्यान दीजिए, बी पॉइंट में किसी एक पोजीशन में जरूर यहाँ माइनस है और सी में भी कहीं ना कहीं माइनस है। तो अब यहाँ कोई शॉर्टकट रूल नहीं है कि बी से सी फॉर्मूला लगाएं या सी से बी, किसी भी एक डायरेक्शन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। मैं इसे बी टू सी यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं वाई पोजीशन माइनस करूँगा, 5 बी की वाई पोजीशन है, माइनस करनी है सी की वाई पोजीशन, माइनस या माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, यानी ये बनता है 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर आप एक्स पोजीशन देखें, एक्स पोजीशन यहाँ पर है -2, फिर मेरे को सी का एक्स पोजीशन माइनस करना है जो कि है -3 का होल स्क्वायर। इसे मैं सिंपल करूंगा तो ये 5 + 4 9 का स्क्वायर आएगा 81, -5 का स्क्वायर आएगा +25, ऐड करने पर ये बनेगा √106 यूनिट्स। देखिए, यहाँ दो साइडें तो इक्वल आई गई हैं, ए बी और बी सी इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पक्का हुआ। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए मुझे पाइथागोरस में तीनों साइडें पुट करनी होंगी, तो मैं एक्चुअली थर्ड साइड ए सी भी निकाल लेता हूँ। तीनों साइडें हमारे पास होंगी तो हम पाइथागोरस यूज कर पाएंगे। तो थर्ड साइड ए सी निकाल रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला फिर मैं ए टू सी यूज कर रहा हूँ।
प्लस की सभी पोजीशंस है, माइनस की तरफ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले हमें वाई पोजीशन माइनस करनी होगी, तो 10 माइनस मुझे करना है और माइनस वहां पर वाई पोजीशन में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस एक्स पोजीशन 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन सॉल्व करेंगे 10 प्लस 4 आएगा 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 196, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए परफेक्ट स्क्वायर टेबल भी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए अगर आप मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं तो। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, इस तरह से आपको सभी स्क्वायर याद हो तो एक स्पीड बढ़ती है जिससे काम करने का मजा रहता है। खैर कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये ऐड होकर आएगा 212 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स मेरे पास एसी आ गया है। और अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ये तो कंक्लूड कर ही सकता हूँ कि इन तीन साइड में से ए बी और बी सी इक्वल है, और अगर ए बी और बी सी इक्वल है ध्यान दीजिएगा तो ये इम्प्लाई ये करता है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहला पार्ट मेरा यहाँ प्रूफ हो गया, मुझे इसे राइट ट्रायंगल भी दिखाना है, तो राइट ट्रायंगल दिखाने के लिए मैं यहाँ पाइथागोरस चेक करूंगा। पाइथागोरस में लार्जेस्ट साइड, तीन साइड में ये बहुत ध्यान दीजिएगा जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो पक्का है राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। यहाँ पर ए बी है रूट 106, बी सी है रूट 106, ए सी है रूट 212, रूट 106 के मुकाबले रूट 212 लार्जेस्ट हुआ, तो मैं यहाँ लार्जेस्ट साइड का पहले स्क्वायर कर रहा हूँ, ए सी का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 212 का स्क्वायर, या रूट से स्क्वायर कैंसिल है तो ये मेरे पास आता है 212। बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर का सम मैं निकाल रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी है मेरे पास रूट 106, बी सी है मेरे पास रूट 106, ए बी का भी हमें यहाँ स्क्वायर करना है ध्यान दीजिएगा, ए सी का भी स्क्वायर करना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल है, 106 प्लस 106 ये आएगा 212। और यहाँ देखिए लार्जेस्ट साइड ए सी का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, अभी आप कह सकते हैं नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, आप कह सकते हैं पाइथागोरस सेटिस्फाई हुई है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट ट्रायंगल भी है, यानी ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हुआ। हर क्वेश्चन करते हुए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सिर्फ सुनना समझना काफी नहीं है, मैथ्स में प्रैक्टिस हाथ से लिख के करना बहुत जरूरी होता है।